नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे ऑनलाइन टीचिंग या स्टडी की जा सकती है, और वो भी बहुत आसानी से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट क्यों कह रहा हूँ? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल मोबाइल और इंटरनेट लगभग सबके पास होता है, तो अलग से किसी को मोबाइल खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इंटरनेट पैक अलग से डलवाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मैं तरीका बताऊंगा उसमें ना तो इतना हाई फाई या फिर इतना फास्ट इंटरनेट चाहिए आपको, और ना ही कोई पेन टैब या फिर यूट्यूब चैनल या फिर बड़ा सा कैमरा, ये सब नहीं चाहिए। मोबाइल और मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन, ये दोनों काफ़ी हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम बिना पेन टैब के, बिना यूट्यूब चैनल के या फिर बिना फास्ट इंटरनेट के ऑनलाइन स्टडी, टीचिंग या फिर स्टडी दोनों कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप एक टीचर हैं तो भी आपके लिए यूज़फुल है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी यूज़फुल है। यूज़फुल इसलिए है क्योंकि आप अपने टीचर को रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे तरीके से ऑनलाइन स्टडी हो सकेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक्स रिकॉर्डर नाम का एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड करना है। तो ये कैसे डाउनलोड होगा, बस प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर टाइप करना है, स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप हैं, तो मेरे वाले में जो इंस्टॉल है वो ये वाला है, तो आप भी चाहे तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या इसमें से कोई भी लगभग कर सकते हैं, बस उसमें ब्रश वाली फैसिलिटी होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता सब में है या नहीं, इस वाले में तो है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो गूगल वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो आपके पास जीमेल वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके ईमेल्स खुल जाएंगे, और साथ में ही यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा मीट का, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद देखिए न्यू मीटिंग पर जाना है। इस न्यू मीटिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग पे क्लिक किया तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको शेयर इनवाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए कि आप इस लिंक को कैसे शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप, जीमेल, ट्विटर, ब्लूटूथ। तो लगभग व्हाट्सएप सभी लोग शेयर करते हैं, तो आप भी मेरे ख्याल से व्हाट्सएप से इसको शेयर करना चाहेंगे। तो इसके बाद आपको व्हाट्सएप वाले आइकन पर क्लिक करना है, और जब व्हाट्सएप वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो जिन भी स्टूडेंट्स को, जिसको भी आप लिंक शेयर करना चाहते हैं, उनके ऑप्शंस आएंगे और उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। आई होप शेयर करने वाला आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पर क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि सबका व्हाट्सएप अपना अपना पर्सनल होता है। तो यहाँ पर बस व्हाट्सएप पर आप क्लिक करेंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे आपके कॉन्टैक्ट्स में, जितने भी ऑप्शंस होंगे उनको आप ये लिंक शेयर कर दीजिएगा। बस ये ध्यान रखना है कि जिस भी स्टूडेंट को लिंक भेजना है उसका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपके पास हो। तो मैंने ये लिंक शेयर कर दिया है, तो इस तरह का लिंक जो है व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा जिसको भी आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स को आप कनेक्ट करना चाहते हैं इस तरह से आप सिलेक्ट कर करके व्हाट्सएप कर दीजिए। तो स्टूडेंट के पास ऐसा मैसेज जाएगा, उसको बस ये बोलना है कि इस ब्लू वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वो ब्लू वाले लिंक पे क्लिक करेगा तो देखिए क्या होगा। तो जैसे ही स्टूडेंट आपके इस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपको ये ऊपर से स्क्रॉल करना है, यहां आपके सामने ऑप्शन आएगा योर मीटिंग का, इस पे पहुंच जाना है। यहां पे एक ऑप्शन आएगा एडमिट का, यानी कि जिस भी स्टूडेंट ने क्लिक किया होगा उस लिंक को
उसको आप एडमिट करना चाहते हैं अपनी मीटिंग में, तो यस पे क्लिक कर देना। आपको वो मैसेज यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि अभी मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको मैंने मैसेज भेजा हो, तो यहाँ पे एडमिट का ऑप्शन आएगा। जब तक आप उस एडमिट पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक जो है वो स्टूडेंट आपकी मीटिंग में एडमिट नहीं होगा। एडमिट क्लिक करते ही वो स्टूडेंट एडमिट हो चुका है, यानी कि आपका कैमरा पे जो भी दिखाई देगा फ्रंट कैमरा पे वो उसको दिख रहा होगा, और उसके फ्रंट कैमरा पे जो भी सामने होगा वो आपको दिखाई देगा एडमिट क्लिक करने के बाद। उसके बाद क्या करना है आपको, ये तीन डॉट्स दिखाई दे रही हैं, इन तीन डॉट्स पे क्लिक करना है। तीन डॉट्स पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। देखिए शेयर स्क्रीन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद इस शेयर स्क्रीन के ऑप्शन के बाद आपको स्टार्ट शेयरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है, तो इस तरह से आपकी जो स्क्रीन है वो शेयर होना शुरू हो गई है। उसके बाद आपको इस बैक पे क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, आपको जो ये मैंने ऐप बताया था स्क्रीन रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर, इस ऐप पर जाना है। ऐप पर जाने के बाद बैक कर देना है। जैसे ही बैक करेंगे देखिए ऑटोमेटिकली क्लिक किया हमने इस पे, ये ऑन होगा। पहले ऑन होने के बाद आपको इसको बस बैक कर देना है। बैक करने के बाद देखिए क्या होगा, ये छोटा सा यहां पे देखिए ये रहा लाल सा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देगा, तो इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शंस आएंगे, इन चारों में से जो ये ब्रश वाला ऑप्शन है उस पे क्लिक करना है। तो यहां पे ब्रश दिखाई देगा आपको, इस ब्रश पे क्लिक कर देना है। तो इस ब्रश पे क्लिक कर दीजिए। ब्रश पे क्लिक करते ही आपके सामने देखिए ये वाला टूल बार स्टार्ट हो जाएगा ना, ये रहा। इसमें ध्यान से देखिए ये दो बराबर दिखे डंडे, तो आपके सामने ये दो डंडियां दिख रही होंगी। तो ये जो दो आपके सामने लाइन्स है इसको पकड़ के आप इस टूल बार को कहीं पर भी स्क्रीन पर ले जा सकते हैं, ठीक है, ये बहुत काम का है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा तो वो टूल बार हट गया। इसके बाद इमेजेस पे मैंने क्या कर रखा है, एक ब्लैंक जो है ना इमेज डाउनलोड कर रखी है, या एक ब्लैंक इमेज आप ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो एक खाली पेज की फोटो ही खींच लीजिए, वही सेव कर लीजिए, वो भी काफी है। इसके बाद ये स्क्रीन आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे भी आपको पढ़ाने में इजी लगे वैसे आप स्क्रीन रख सकते हैं। उसके बाद इस ब्रश वाले ऑप्शन पे देखिए फिर से क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहां पे लिखना शुरू कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस स्क्रीन पे अच्छी हैंडराइटिंग बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए ब्रश के बाद आपको ये स्क्वायर मिल रहा है, इससे आप स्क्वायर बना सकते हैं। सर्कल वाले ऑप्शन से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और कैंसिल करते ही सब गायब हो जाएगा। फिर से ब्रश पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एरो वाला ऑप्शन देखिए, इससे आप जहां भी चाहे एरो बना सकते हैं। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस वाले का स्क्रीनशॉट अपने आप हो जाएगा। उसके बाद ये इरेजर है, स्क्रीनशॉट के बाद वाला जो ऑप्शन है,
इरेजर पे क्लिक करेंगे, जैसे जैसे जहां जहां हाथ लगाएंगे वहां जो भी आपने ड्रॉ किया होगा लिखा होगा वो सारा मिट जाएगा। देखिए नेक्स्ट है ये बैक का ऑप्शन, गलती से आपने कुछ मिटा दिया या फिर डिलीट कर दिया तो बैक करेंगे तो वापस पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। और सबसे मेन ये लास्ट वाला, इसमें सारी काम की चीजें हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, जो भी चीज आप लिख रहे हैं, देखिए ये एक रह गया था ये डैश वाला, इससे लाइंस ऐसे बनेंगी डैश डैश डैश। तो अभी हम ब्रश पे क्लिक करेंगे तो ये ब्रश पे क्लिक कर देना है, अब हम लिख पाएंगे देखिए ऐसे। तो इस पे जाएंगे यहां पे बैक पे, फिर बैक पे जो भी हमने लिखा वो फालतू का हमारे काम का नहीं मिटा देंगे। उसके बाद इस पे जाना है, ये कलर जैसे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इस पे क्लिक करते ही इसको एडजस्ट करके आप जो है अपने ब्रश की मोटाई एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये इतना मोटा हो गया, इसको कम करेंगे तो ये पतला लिखना शुरू कर देगा। ये कलर्स हैं अलग अलग, ब्लैक कलर तो ब्लैक में, ग्रीन तो ग्रीन में, फिर यहां से राइट पे क्लिक कर दीजिए ये हट जाएगा और जिस भी कलर को आपने सिलेक्ट किया था उस कलर में लिखते रहिए। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो स्क्रीन पे आसानी से अपनी फिंगर से लिख सकते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग है वो भी। और ये सारी की सारी स्क्रीन पे जो भी आप लिख रहे हैं ना, जिस भी स्टूडेंट को या जितने भी स्टूडेंट्स को आपने एडमिट किया है वो स्क्रीन पे उनको सब नजर आएगा। यहां तक कि आपको बुक पढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, आप बैक करेंगे, आपको ऑलरेडी बुक डाउनलोड करके रख लेनी है, फाइल मैनेजर में जाइए मेरे पास बुक है तो मैं बुक भी आसानी से पढ़ा लेता हूं। देखिए ये मैंने चैप्टर निकाल लिया, इस पे क्लिक किया, और ये क्वेश्चन आ गए मेरे पास। उसके बाद इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं ऐसे ऐसे। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे साफ साफ, रेड कलर कर लेते हैं। ये देखिए यहीं पर आप लिख सकते हैं समझाते समझाते, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही। तो जो भी स्क्रीन पे आप करेंगे वो सारा आपके स्टूडेंट्स को दिखाई देगा। तो इस तरह से आप आसानी से टीच कर सकते हैं, और इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर ठीक ठाक है तो भी आप आसानी से और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसको कैंसिल कीजिए, फिर ब्रश वगैरह सब हट जाएगा, बैक आइए। और हाँ, मीटिंग को एंड करना ना भूलिएगा, मीटिंग को एंड जरूर करना है, अदरवाइज क्या होगा, यहां पे जाके वैसे मीटिंग यहां पे देखिए शो नहीं हो रही, मीटिंग एंड कैसे करनी है देखिए। आप जब बैक करेंगे ना, देखिए ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको हल्का सा, तो इसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया होगा उनका फेस भी दिखाई देगा तो आप नजर भी रख पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल यहां पे हम लिख रहे थे ना, तो हमारा ब्लैंक पेज फिर से निकालते हैं, ये आ गया ब्लैंक पेज। देखिए आप जो भी इस पर लिखेंगे वो तो लिखेंगे लिखेंगे, यहां पर देखिए आपके जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया होगा उनकी शक्ल भी दिखाई देगी। आप इसको उठा के पकड़ के इधर भी ले जा सकते हैं साइड में, ताकि आप यहां लिखें फिर यहां लिखें, और स्टूडेंट्स पे साथ साथ नजर भी रख सके। तो इस तरह से आप जो है आसानी से पढ़ा सकते हैं। और लास्ट में मीटिंग को एंड करना ना भूलिएगा। मीटिंग को एंड कैसे करना है, इसी आइकन पे क्लिक कीजिए, ये जो बॉक्स सा दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिए, ये जो आ गया रेड कलर का बटन इस पे क्लिक कर देना है, मीटिंग एंड हो जाएगी। अगर यहां से एंड नहीं हो रही है तो आपको एक और तरीका बताता हूं मैं, ऊपर से स्क्रॉल कीजिए ऐसे, शटर गिराइए, तो ये रहा देखिए योर मीटिंग वाला ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है, फिर से वैसा आ जाएगा, इस रेड वाले बटन पे क्लिक करके मीटिंग खत्म कर देनी है, मीटिंग ऑन हो गई, ऑफ हो गई। तो मीटिंग ऑफ करना जरूरी है, नहीं तो स्क्रीन पे आप जो भी करेंगे वो सब आपके स्टूडेंट्स को दिखाई देगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको सारी की सारी चीज समझ में आ गई, और सिर्फ मोबाइल और नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन से आप आसानी से जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं।